दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और ये आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणबीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ।
ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ।
साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ।
साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।
ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं।
दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है।
बच्चे बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया, तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए। और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है, तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है, उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए,
और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती।
कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए,
क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्तों रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में।
ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणवीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणवीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणवीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है।
तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणवीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणवीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणवीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणवीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणवीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणवीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणवीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणवीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है।
दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणबीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्तों रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ।
ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ।
साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।
ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रह्मास्त्र मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना शुरू किया तब वो ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी को ब्रह्मास्त्र मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी, ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने, ब्रह्मास्त्र मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके ब्रह्मास्त्र मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग रणबीर कपूर के एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है।